हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में अगेन हम सीखने वाले कॉस्ट अकाउंट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डायरेक्ट लेबर प्रत्यक्ष मजदूरी। इस चैप्टर का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट टाइप के सम्स एक्सप्लेन किए थे। वो क्या था पहले उसके मैं बता देता हूँ। मैंने एक्सप्लेन किया था आपको वेज सिस्टम का, जो वेतन प्रथा के टॉपिक थे, जिसमें चार थे, राइट ना, एक टाइम वाला, पीस वाला, हेल्सी और रोवेन, राइट ना। ये चार टॉपिक मैंने एक्सप्लेन भी की थी, एक प्रैक्टिकल सम्स भी मैंने एक्सप्लेन किया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कीजिए। बात करते हैं आज के इस वीडियो की, तो आज हम सेकेंड टाइप के जो सम्स होते हैं ना इसके अंदर, वो आज हम सीखने वाले हैं। वो सेकेंड टाइप के जो सम्स होते हैं वो होते हैं लेबर टर्नओवर, मजदूर फिर बदली दर के वाले सम्स होते हैं। मैं दोनों मीडियम के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट, इंग्लिश और गुजराती दोनों मीडियम के लिए वीडियो यूजफुल रहेगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सेकेंड टाइप किस टाइप के होते हैं, वो होते हैं लेबर टर्नओवर के। इसमें तीन मेथड अवेलेबल है, बार ये तीन मेथड है जिसके फॉर्मूले भी दिए हुए बुक के अंदर, मैंने राइट डाउन कर लिए, तो मैं यहां से आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम प्रैक्टिकल सम्स भी सीखेंगे, राइट। तो वीडियो को पहले से लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करता हूं लेबर टर्नओवर मजदूर फिर बदली दर। तो उसका पहला मेथड जो है उसका नाम क्या है, सेपरेशन मेथड। अब इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, द नंबर ऑफ वर्कर वो लेफ्ट डिवाइड बाय एवरेज वर्कर इनटू में 100। अब गुजराती में बताता हूं क्या है, जैसे कि छूटा थयल कामदारों ना आधारे छोड़ी गए कामदारों की संख्या भाग्या सरेराश कामदार इनटू में 100। देखिए इसका मतलब क्या, सेपरेशन छूटा थयल, मतलब जो भी कारखाने में से जो कामदार किसी भी रीजन से क्या हो गया, वो चला गया है, भले वो रिटायरमेंट हो गया हो उसका, भले वो खुद अपना रिजाइन दे दिया हो, या कोई अदर रीजन हो कि यहां से वहां कोई शिफ्ट हो गया हो, तो जितने भी रीजन से जब भी वर्कर कारखाना छोड़ देगा, मतलब वो लेफ्ट हो जाएगा, तो सारे जो कामदार होंगे वर्कर वो किसमें आता है, सेपरेशन मेथड में आता है, छोटा थैला कामदार में। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल सम्स भी समझाऊंगा इसके बाद। नंबर टू, तो इस सेकंड मेथड का नाम क्या है, रिप्लेसमेंट मेथड। अब इसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही है जैसा उसका नाम है, न्यूली अपॉइंटेड वर्कर डिवाइड में एवरेज वर्कर इनटू में 100। गुजराती में नवा निमायला कामदारों ना आधारे, इसका फॉर्मूला है खाली जगह है थैल निमड़ को भाग्या सरेस कामदार इनटू में 100। अब ये मेथड का मतलब क्या हुआ कि जो भी जगह खाली रही ना, जो वैकेंट रहा ना, उसमें जो नए कर्मचारियों को, नए कामदार को जो हमने अपॉइंट किया है, वो सारे कामदारों की संख्या यहां पे आने वाली है, ओके। और डिवाइड में एवरेज सरेराश आप जानते ही हो, शुरुआत का प्लस आखिर का डिवाइड में 2 हो जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, आप समझ जाओगे। थर्ड मेथड का नाम क्या है, इसका नाम है जॉइंट या फ्लक्स मेथड। अभी दोनों मेथड का कंबाइंड है, जो ऑलरेडी 2 मेथड थी ना, एक नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट के वर्कर प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन, ये दोनों मेथड के जितने भी वर्कर रहेंगे दोनों को प्लस करना है और डिवाइड में सेम वही आएगा, एवरेज वर्कर इनटू में 100। थर्ड मेथड का नाम है संयुक्त और या उसका नाम है मिश्र पद्धति। इसमें दोनों कामदार की संख्या जोड़ देनी है, छोटा थैला कामदार प्लस नवा निमायला कामदार भाग्य में कैश रेस कामदार इनटू में 100, राइट। पहले मैं बता दूं सेपरेशन मेथड, जो छोटा थैला कामदार है उसको हम त्याग पद्धति भी कहते हैं गुजराती में, वही नवा निमायला कामदार को पुनः स्थापना की पद्धति भी कहते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल सम्स सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मैं सम्स लेता जो एग्जाम में पूछा हुआ है यूनिवर्सिटी का, मैं वही सम्स लेने वाला हूं। ये जो मैं लेने वाला हूं ये है 2014 का सम्स, गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 में पूछा गया सम्स से, यहाँ हेडलाइन में ही लिखा गया, इसके अंदर नाम है शिवम लिमिटेड, आप समझिएगा। देखो तीनों मेथड पूछी गई है, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट, फ्लक्स, छोटा थैला कामदार, नवा निमायला, संयुक्त पद्धति, तीनों का पूछा गया है और ये सारी डिटेल दी गई है। मैं गुजराती में भी एक्सप्लेन करते जाऊंगा, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को समझ में जरूर आएगा। देखिए इन्फॉर्मेशन में क्या दिया गया, मैं फास्ट रीड करता हूं। सबसे पहले जो दिया गया, नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष के शुरुआत में कामदारों की संख्या कितनी थी, 500 थी स्टार्टिंग में। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड द ईयर, आखिर में, लास्ट में, साल खत्म होने पर कामदार कितने रहे, 700। तो इस प्रश्न क्या मिल जाएगा, सरेराश कामदार मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा, राइट ना, बिगनिंग के प्लस एंडिंग के, शुरुआत और आखिर सबको क्या मिल जाएगा, सरेराश कामदार मिल जाएगा, मतलब एवरेज। उसके बाद इन्फॉर्मेशन देखना क्या दी गई है, नंबर ऑफ वर्कर रिजाइंड ड्यूरिंग द ईयर, जिन वर्करों ने क्या दिया था, रिजाइन दिया था, वो वाले वर्कर जो खुद छोड़ के चले गए थे, कितने थे वो, 40 कामदार थे, वर्कर थे। वहीं पे नंबर ऑफ
वर्कर रिटायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिन वर्करों का क्या रिटायरमेंट हो चुका था, रिटायर हुए, जो निवृत्त हो गए थे, वो कामदार कितने, 80। तो ये दोनों कैटेगरी किस में आता है, सेपरेशन मेथड में आता है, जो रिजाइन हो गए थे या जो रिटायर हो गए, ये कामदार को हम सेपरेशन मानते हैं, मतलब छूटा थैला कामदार मानेंगे। वहीं पे एक और इन्फॉर्मेशन है, नंबर ऑफ वर्कर न्यूली अपॉइंटेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल के बीच में जो नए अपॉइंटमेंट हुए थे नवा निमायला, कितने थे, 120। लेकिन ब्रैकेट में कुछ दिया गया है कि उसमें से 30 वर्कर जो थे ना, वो किस काम के लिए थे, एक्सपांशन प्लान के लिए थे, मतलब विस्तृत प्लान के लिए, किसी एक अलग प्लान के लिए लिए गए। तो इस 30 को हम वो खाली जगह में निवृत्त हुए नहीं मानेंगे, 30 को हम हटा देंगे, 120 में से 30 के बाद जो बचे 90, वो 90 को ही हम मानेंगे रिप्लेसमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट माना जाएगा। अब आते सम्स कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप समझ गए होंगे मैंने इन्फॉर्मेशन इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, वो होता है सरेराश कामदार, आपको फाइंड आउट करना रहेगा एवरेज वर्कर, राइट। तो उसका फॉर्मूला वही है कि शुरुआत ना कामदार प्लस आखिर ना कामदार भाग्यमा बे, नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगनिंग, नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड एंड डिवाइड बाय 2। मैं दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा, दोनों के लिए फुल रहेगा, बड़े वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए। तो स्टार्टिंग में कितने वर्कर थे, 500, एंड में कितने थे, 700, राइट। तो ये हो गया 500 प्लस 700 डिवाइड में 2, तो टोटल 1200 डिवाइड में 2 और आ गया 600। ये क्या मिल गया हमको, सरेराश कामदार एवरेज वर्कर, क्योंकि तीनों के फॉर्मूले में हमको डिवाइड में क्या आता है, एवरेज वर्कर सरेराश कामदार आता है। तो ये पहली इन्फॉर्मेशन हमको फाइंड आउट कर देनी। इसके बाद आते हैं मेथड पर, सेपरेशन मेथड, छूटा थैला कामदार। तो क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ वर्कर हु लेफ्ट, जे कामदारों कारखाना छोड़ी गया। तो यहाँ पे दो तरह के कामदार है, एक तो जो रिजाइन दिए थे बराबर, और दूसरे जो रिटायरमेंट हुआ था उनका है। तो दोनों कामदार की संख्या को जोड़ देंगे, 40 प्लस 80, ये आ जाएंगे सेपरेशन में, छोटा थैला कामदार में 40 प्लस 80 डिवाइड में सरेराश एवरेज कितना था, 600 इंटू में 100। तो अपना आंसर आ जाएगा 120 डिवाइड में 600 इंटू में 100, तो कितने परसेंट हो गया, 20%। ये आ जाएगा सेपरेशन मेथड, छोटा थैला कामदार का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड मेथड क्या है, रिप्लेसमेंट का, नवा नहीं वाला कामदार। तो इसके अंदर कौन से कामदार लेने को, न्यू अपॉइंटमेंट, जिनको अपॉइंट किया है नवा निमायला निमड़ू को। तो आपको यहाँ दिया गया 120, टोटल कितने, 120, लेकिन उसमें 30 हटा दिए जाएंगे कि वो किसी दूसरे प्लान के लिए हमने उसको अपॉइंट किया, तो 30 कामदार को नहीं माना जाएगा। 120 में से 30 माइनस कर देना, तो रियल में कितने होंगे, 90 ही माने जाएंगे निमड़ू को। अपॉइंटमेंट कितनी मानी जाएगी, 90 डिवाइड में वही सरेराश एवरेज कितना मिला था हमको, 600 मिला था, राइट, वही आ जाएगा इनटू में 100। तो आपका आंसर यहां पे हो जाएगा 15%। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड आंसर रिप्लेसमेंट का, नवा निमायला का। थर्ड मेथड एकदम इजी है, जॉइंट फ्लक्स, दोनों के कामदारों की संख्या को प्लस कर देना, जो सेपरेशन के थे जो रिप्लेसमेंट के थे, राइट। छोटा थैला कामदार प्लस अपने नवा निमायला, तो दोनों के कामदार की संख्या को जोड़ देना है। तो यहाँ पे कितना था, 120 जो छोटा थैला था, राइट ना, प्लस नवा निमायला 90। तो 120 रिप्लेसमेंट के और 90 सेपरेशन के डिवाइड में वही एवरेज 600 और इनटू में आएगा 100, तो अपना हो जाएगा टोटल 210 डिवाइड में 600 इनटू में 100, तो अपना यहां पर आंसर आ जाएगा 35%। ये हो जाएगा जॉइंट और फ्लक्स मेथड का आंसर, संयुक्त पद्धति का आंसर। तो ये हुआ सम्स यहाँ पर कंप्लीट, तीनों मेथड का मैंने बेसिक सम लिया है। इसमें ट्विस्ट वाले सम्स भी आते हैं, डिफिकल्ट भी, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूँ। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारे चैनल ज्यादा ग्रो हो सके। और कोई कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेरी रह गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।